नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पिंटू सिंह यादव। दोस्तों, जिस तरीके से खेसारी लाल यादव और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन का मामला चल रहा है, उसके बाद खेसारी लाल यादव के समर्थन में भी तमाम एक्टर्स जो हैं वो आने लगे हैं। यानी कि जैसा कि मैंने बताया था, सपना चौहान की बात कर लें, श्वेता महारा की बात कर लें, और भी तमाम लोग जो हैं खेसारी लाल यादव के समर्थन में उतर रहे हैं। तो वहीं खेसारी लाल यादव के करीबी भी, चाहे अखिलेश कश्यप हो, टुनटुन यादव हो, विवेक सिंह की पत्नी हो, लगातार जो है वो उनसे मिलकर उनका ढाढ़स बढ़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको प्रोत्साहित करते नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में छोटी छोटी बातों का भी नया नया तरीका निकाला जा रहा है और उस तरीकों को मानकर खुशी का इजहार किया जा रहा है और इंतजार किया जा रहा है कि जल्द से जल्द खेसारी लाल यादव के गाने को रिलीज किया जाए। इस कड़ी में आपको पता होगा कि डबल गाने के साथ लोचा हो गया था। हालांकि डबल खिड़की जो गाना है वो VR म्यूजिक पर वापस आ चुका है, तो आप लोग जाकर सुनिएगा, बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि ये गाना कई सारे कंट्रीज में रिस्ट्रिक्टेड एरिया में हो गया था, पता नहीं रीजन क्या था, आई डोंट नो, बट वो अब आप सभी के बीच आ चुका है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। इस कड़ी में अगर मैं बात करता हूं तो खेसारी लाल यादव के साथ हमेशा साथ रहने वाले पंकज बिहारी ने एक पोस्ट डाला है, जिससे कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव के रिलीज होने वाले गाने की संभावनाएं जो है वो और भी ज्यादा हो गई है। बात करें तो खेसारी लाल यादव के साथ आई थिंक फिल्म के सेट पर तस्वीर को साझा किए हैं पंकज बिहारी और खुद साथ में नजर आ रहे हैं, और दोनों तस्वीरों को साझा करके लिखे हैं कि सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ। यानी कि जो रियलिटी है वो कभी दावा नहीं करता है कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ को हमेशा दावा करना पड़ता है, समझ रहे हो। तो लाइन बहुत खूबसूरत लिखी है कि मैं सत्य हूँ, मतलब हमेशा दावा करना पड़ता है कि मैं सत्य हूँ। ठीक है, आ रहे हैं फिर से पानी में आग लगाने, यानी कि आ रहे हैं फिर से पानी में आग लगाने, मतलब कि आ रहे हैं, मतलब 2 साल नहीं रुकना है, आ रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों में बड़े बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। लव यू हो गया खेसारी लाल यादव, अब देखना ये होगा कि भाई कितना जल्दी आ रहे हैं, आग लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अगर उनके करीबी इस तरीके का पोस्ट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ जरूर प्रबल संभावनाएं बन रही होगी। बाकी